Hello everyone, so myself Rohit Abhi, welcome back to our channel Nursing Association. So, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि finally आज मेरा Google AdSense PIN for verification आ गया है. ठीक है, बहुत इंतज़ार करा इसने पर finally मेरा ये Google AdSense PIN ये आ गया है. ठीक है, तो first of all हम बात करेंगे कि Google AdSense PIN कब आता है, ठीक है, और कितने दिन में आता है. ठीक है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक देखना और अगर चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि गूगल एडसेंस पिन कब आता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब अगर आपके चैनल हो, ठीक है, आप एज अ यूट्यूब पर क्रिएटर हो, तो यूट्यूब की एक पॉलिसी होती है फॉर मोनेटाइजेशन कि आपका 4000 वॉच आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए. ठीक है, फिर उसके बाद आपकी चैनल रिव्यू में जाती है और उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो जाता है. ठीक है, तो उसके बाद आपको ये गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है. ठीक है, उसके बाद अगर आपके गूगल एडसेंस में $10 या $10 से ऊपर अगर आपके पैसे हो जाते हैं तो फिर उसके बाद गूगल एडसेंस आपको एक वेरिफिकेशन मांगता है. ठीक है, गवर्नमेंट वेरिफिकेशन. उसके लिए आप अपना कोई भी जैसे आधार कार्ड हो या पान कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी, आप कोई भी एक वेरिफिकेशन दे सकते हो. ठीक है, फिर उसके बाद अगर वेरिफिकेशन हो जाए, ठीक है, तो फिर गूगल एडसेंस आपको एक मेल करता है कि आपका वेरिफिकेशन हो गया है और हम ये पिन आपको 2 या 3 वीक्स में आपके एड्रेस पे भेज देंगे. ठीक है, पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो एड्रेस अपने गूगल एडसेंस में डाल रहे हो वही एड्रेस आपके जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हो उसमें वही एड्रेस होना चाहिए सेम. ठीक है, अगर आप जैसे कि पासपोर्ट डाल रहे हो तो पासपोर्ट में जो एड्रेस है वही गूगल एडसेंस में एड्रेस होना चाहिए, वरना फिर वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी. ठीक है, और जो फोटो आप मिस वेरिफिकेशन में डाल रहे हो वो फोटो क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो ये सब कुछ है कि गूगल एडसेंस पिन कब आता है. ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ पिन के बारे में. ठीक है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया. ठीक है, आपको ईमेल भी आ गया कि हम 2 या 3 वीक्स में आपके एड्रेस पे ये पिन हम पहुंचा देंगे. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पिन कितने दिन में आएगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप विलेज में रहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल विलेज में रहते हो तो विलेज में कितने दिन में आएगा, और अगर आप सिटी में रहते हो तो ये गूगल एडसेंस पिन सिटी में कितने दिन में आएगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिटी की बात करेंगे. ठीक है, तो पहले मैं सिटी में रहता हूँ इसलिए, तो अगर सिटी में रहते हो अगर आप, तो आपको मैक्सिमम 2 वीक्स, ठीक है, 10 to 12 डेज आपको मैक्सिमम लगेंगे ये पिन आने में. ठीक है, मेरा कम आई थिंक 11 या 12 डेज हो गए ये पिन आने में. आज 12वां दिन है ये पिन आया. ठीक है, मेरे घर पे. तो अगर आप सिटी में रहते हो तो मैक्सिमम 10 to 12 डेज, और अगर आप एज अ विलेज में रहते हो, ठीक है, तो वो विलेज में क्या होता है, पोस्टल का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, फिर अगर एड्रेस वो प्रॉपरली मीन्स आपके एड्रेस मिलता नहीं है प्रॉपरली, पोस्टल का थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसकी वजह से, तो फिर उसमें कम से कम 15 या 16 दिन मैक्सिमम लग जाता है. ठीक है, और 15 या 16 दिन में आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ सिटी और विलेज में ये पिन कितने दिन में आएगा. ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कीव अ लाइक, और अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. ठीक है, और गूगल एडसेंस के बारे में आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना. ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे होम, स्टे सेफ. डू लाइक, लीव अ कॉमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स.